अभी देखो बोलने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, पर हाँ आईबीपीएस से यहाँ पे एक बहुत बड़ी शिकायत है भाई, आपका मिसमैनेजमेंट की वजह से या आपके एग्जाम में कैलकुलेशन को लेके इतनी गलतियां आप लोगों की तरफ से हो रही है कि बच्चे के साल पे साल खराब होते जा रहे हैं भाई। आपका लेवल ऑफ डिफिकल्टी हर शिफ्ट में इतना ज्यादा वेरी करता है कि बहुत सारे डिजर्विंग बच्चे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं भाई। फिर हम बाद में बोलते हैं कि मुश्किल शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन में स्कोर अच्छा हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, पर एक वहां का स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं, उनके अटेम्प्ट को इंप्रूव कर सकते हैं, पर उनकी मेंटालिटी की वजह से भाई कई बार आपको मैं बताता हूँ, जब मुश्किल शिफ्ट होती है ना, जब पहले बच्चों को पहला ही क्वेश्चन मुश्किल मिल जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है भाई। एग्जाम में बैठने से पहले एक तो वो पहले से नर्वस है, उसके बाद उसको मुश्किल में मुश्किल क्वेश्चन मिलते रहते हैं, पहले 5-6 क्वेश्चन उसको मुश्किल मिल जाते हैं, उसके बाद पूरा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, बिल्कुल ही मतलब होता है एक बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे चले जाता है। पर उसके बाद आप बोलो कि हमने इजी क्वेश्चन भी तो रखे थे, या इजी क्वेश्चन तक आते आते बच्चे का कॉन्फिडेंस वहां पहुंच जाता है कि जहां पे उसमें इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो 2+2=4 बिना कॉपी पेन के निकले। मतलब अगर इजी क्वेश्चन में उसको 30 सेकंड लगता था ना प्रैक्टिस में, आपने उसको मजबूर कर दिया कि उस क्वेश्चन में भी उसको 1 या 1.5 मिनट लगे, और जो बच्चा उस पेपर में अच्छा परफॉर्म कर सकता था, डिजर्विंग था, उसका भी पेपर खराब हो जाता है, और वो सारी की सारी जिम्मेदारी आईबीपीएस की है, बिकॉज आप लोग को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिसमैनेजमेंट है। आई डोंट नो कि एक ही एग्जाम जो मल्टीपल शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है जब आप एग्जाम का लेवल सेट नहीं हो पा रहा। एक चीज जो मेरा सजेशन रहता है कि यार हो सकता है कि आप ये करें कि हर आने वाली शिफ्ट को थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते रहे भाई। फर्स्ट शिफ्ट जब बच्चा जाता है सबसे पहले तो आप इजी शिफ्ट रख सकते हैं, फिर सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट पर आप थोड़ा थोड़ा लेवल इंक्रीज करते रहे, बिकॉज आने वाली शिफ्ट में बच्चों को पहले वाले शिफ्ट का लेवल पता होता है। बट फिर ऐसा नहीं होना चाहिए पहली शिफ्ट इजी, दूसरी मुश्किल, तीसरी इजी, चौथी मुश्किल, पांचवी इजी, छठी मुश्किल, ये वाला मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। बच्चे को क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये जो पेपर आएगा ये बाकी जैसे बच्चों को मिला है, जितने वो अटेम्प्ट करके आए मैं भी उतना करके आ सकता हूं, मेरी भी उतनी तैयारी है। ये उस आप उस लेवल पे बच्चे को ले जाते हैं, यहाँ पे वो उतना वो अपने आपको डाउट करने लग जाता है, अपने टीचर्स को डाउट करने लग जाता है, खुद के जो एफर्ट्स होते हैं उसको डाउट करने लग जाता है, यार क्लर्क के पेपर में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया, मैं तो कुछ कर नहीं सकता, इतने सारे स्टूडेंट मेरे पास है, इतनी सारी बच्चियां, इतने सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा लाइफ में क्या हो रहा है, घर वालों को मुंह दिखाने के लायक नहीं है, क्लर्क का पेपर इतना बिगाड़ दिया और अब हिम्मत नहीं हो रही कि पीओ की तैयारी भी आगे करें या ना करें। बच्चों आपने हमेशा देखा होगा मैं सारी कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहता हूँ, चाहे कितनी सी बड़ी से बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाए मैं हमेशा दूर रहता हूँ, बट जहां पे बात आप लोगों के फ्यूचर की आएगी आप सबसे पहले मुझे वहां खड़ा पाएंगे और मैं आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। आज से पहले भी अकेला भी लड़ा हूं, सबके साथ भी लड़ा हूं, आज भी लड़ रहा हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे भाई। आईबीपीएस तक ये हमारे मुद्दे पहुंचाना जरूरी है, हमारी ग्राउंड रियलिटी पहुंचाना जरूरी है, उनको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। और अगर उनको ऐसा लगता है कि आज हमारे पास वो रिसोर्सेस नहीं है भाई, आज हमारे पास उतने केपेबल लोग नहीं है, तो भाई आईबीपीएस को नए लोग हायर करने चाहिए जो इनफ केपेबल है एटलीस्ट ये चीज डिसाइड करने के लिए कि हर शिफ्ट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा होना चाहिए, बिकॉज अभी जो हो रहा है वो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक जस्टिफाइड नहीं है और कहीं से कहीं तक एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। स्टूडेंट इतना ज्यादा परेशान है भाई, पहले दिन की शिफ्ट 3 इतनी मुश्किल आपने डाल दी, शिफ्ट 4 इतनी मुश्किल आपने डाल दी, दूसरे दिन की शिफ्ट 4 आपने मुश्किल कर दी, मतलब 8 में से 3 शिफ्ट आपने मुश्किल कर दी, 5 थोड़ी इजी कर दी। अब आप कंपैरिजन कैसे करेंगे? आप कितना भी नॉर्मलाइजेशन कर लीजिए, मैं अगेन बोलता हूं आप वहां पे फिजिकली जो स्टूडेंट करके आया ना, जो पेपर में करके आया, आप उसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं, पर जो स्टूडेंट की यहां चल रहा था ना, जो उसको दिमाग में बैठ गया था उसके ये पेपर मेरा बिगड़ चुका है, आखिरी के 2-3 मिनट उसने हार मान ली थी, उसको आप कैलकुलेट कभी नहीं कर सकते। डिफिकल्ट शिफ्ट अलग अलग तरीके से करी जा सकती है, पर जो आपका तरीका है वो अभी सही मुझे कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा। स्टूडेंट्स आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है भाई, हमारे ये जो मुद्दे हैं ये आईबीपीएस तक पहुंचना कितना ज्यादा जरूरी है, और क्या आईबीपीएस को अब बदलना चाहिए या नहीं, बिकॉज मैं इसके पूरे हक में हूं कि अब आईबीपीएस को बदलने का समय आ गया।